रहीम, मैं डॉक्टर मोहम्मद इकराम आज आपके सामने एक और स्पेशल केस के साथ। आज एक जो है गोट प्रेजेंट हुई मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में, तो उसको शोल्डर रीजन पे आप देख सकते हैं ह्यूज अब्सेस, बहुत ज़्यादा तकरीबन 1 kg के करीब इससे जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पस निकलेगी। तो ये केस, इसकी वजह क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ, इसकी आउटलाइन दूँ। तो दिस इज़ एक्चुअली केस ऑफ कैजियस लिम्फ एडिनाइटिस। ये किस वजह से होती है, इसकी एटियोलॉजी है कोरिनी बैक्टीरियम सूडो ट्यूबरकुलोसिस, और दिस इज़ हाईली जोनोटिक डिजीज। कोरिनी बैक्टीरिया लिम्फ एडिनाइटिस और लिम्फेंजाइटिस, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसके बारे में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो लिम्फेंजाइटिस इज एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, दैट इज कॉल्ड लिम्फेंजाइटिस। और लिम्फेंजाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फ का या लिम्फ नोड्स का बॉडी सिस्टम में क्या रोल होता है, जो लिम्फ नोड्स हैं वो बेसिकली दीज आर रिजर्वायर फॉर वाइट ब्लड सेल्स, और ये क्या करते हैं लिम्फ नोड्स, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो फॉरेन बॉडीज आ जाती हैं उनको क्लियर करते हैं, ये लिम्फ नोड्स का काम है। तो क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है या इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताऊँगा। तो ट्रीटमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, इसमें एंटीबायोटिक पस में पेनिट्रेशन एंटीबायोटिक की होती नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ही इसकी सर्जिकल जो है इंटरवेंशन करते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक साइट प्रिपेयर करनी है। साइट प्रिपेयर करने के लिए आपने टिंचर आयोडीन का सलूशन बना के जिस जगह पे आपने इंसुलिन देना है उसको प्रॉपर स्टीरिलाइज कर देना है। जब वो स्टीरिलाइज हो जाए तो आपने एक स्टीरिलाइज सर्जिकल ब्लेड के साथ जो वेंट्रल साइड ऑफ अब्सेस है वहाँ पे आपने क्रॉस वाला जो प्लस वाला इंसुलिन है वो देना है, ताकि पस जो है प्रॉपर ग्लिसरीन और मैक्सल की आपने इसके अंदर जो पट्टी करनी है 5 से 7 दिन पट्टी करेंगे, और साथ में आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। यो तो ये जो केस है ये रिकवरी की तरफ जाएगा, और ये है इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसकी आउटलाइन थी कैजियस लिम्फेडिनाइटिस की। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चल सौ तक राणा मैं बदा दे रहा। ये निकलने आते हैं, ये निकलने साथ रखे पट्टी बना पूरी पट्टी नहीं आ रही सांस नहीं है।
वालेकुम सलाम।